आज हम लोग किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और हमको डाइवर्जेंस निकालने बोलता है, तो हम कैसे निकालेंगे आज हमको सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई हमको वेक्टर फंक्शन दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और हमको इसका डाइवर्जेंस निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फॉर्म का ही निकाल सकते हैं, स्केलर फॉर्म का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है, तो डाइवर्जेंस आर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस आर, और इसको डाइवर्जेंस आर में हमेशा डेल और इस आर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और अगर किसी वेक्टर मतलब दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसी प्रकार डाइवर्जेंस भी स्केलर फॉर्म में इसका आंसर आएगा हमेशा, ठीक है। तो डेल को हम जानते हैं, जैसे लिख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और हम हमारा आर क्या दिया हुआ वेक्टर में, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब इसका हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्स का एक्स के साथ साथ, और जैसे कि आई कैप है, आई कैप का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, आई कैप के साथ होगा, इसके साथ जे और के साथ जीरो जाता है, ठीक है। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड, ठीक है। तो हम जानते हैं डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वन होता है, प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू वन होगा, और डेल जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू भी वन होता है, ठीक है। तो ये थ्री हो गया, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो आर है वो थ्री है, स्केलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि दो वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा स्केलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।